कम से कम महीना कितना खर्चा होता है? 5 से 10 मध्यम वर्ग 5 से 10 5,000 से लेकर 10,000 रुपये महीना लग जाता है, ठीक है। तो मैं आपसे सबसे पहले बात कर रहा हूँ बिजनेस की, और जब बिजनेस की बात होती है तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन अपन यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और उसके बावजूद मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आप 5 महीने यहाँ पे अगर इस सिस्टम की पावर को समझ के लगे रहे तो 5 महीने बाद 1,00,000 से लेकर 5,00,000 रुपये महीना तक कमा सकते हो, और इससे ज़्यादा भी, मर्जी आप। बात कर रहा हूँ 5 महीने बाद 1,00,000 से लेकर 5,00,000 और इससे ज़्यादा भी। सिर्फ कितना टाइम? 5 महीने अभी चल रहा है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त महीने का चेक आपका 1,00,000 से लेकर 5,00,000 और 5,00,000 से प्लस भी हो सकता है, जो मैं आपको सिस्टम बताने जा रहा हूँ। ये पावर आपकी और मेरी नहीं है, ये पावर है सिस्टम की, ठीक है, नेटवर्क की पावर है। हमें करना क्या है, हमारे घर का खर्च, आपसे बात करता हूँ, आपके घर में भी मान लो 5,000 लगता है, और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ 5 स्टेप लेनी है इस 5,00,000 महीने पे या 1,00,000 महीने पे या 10,00,000 महीने पे पहुँचने के लिए। सिर्फ 5 स्टेप लेनी है, बड़ी छोटी छोटी, बड़ी सिंपल। आपको लगे यार मैं ले सकता हूँ तो ये आएगा 100% आएगा, क्योंकि 2+2=4 ही होता है, चाहे इंडिया में जोड़ो चाहे पाकिस्तान में जोड़ो, है ना। तो ये स्टेप अपन लेंगे तो रिजल्ट वही आना है जो यहाँ पे लोगों की आ चुकी है। 5 स्टेप, पहला स्टेप, आपको अपने घर का राशन 3 महीने का इकट्ठा लेना है, आपको अपने घर का राशन 3 महीने का इकट्ठा लेना है। ले सकते हो, आप भी ले सकते हैं, हम में से कोई भी ले सकते हैं, सब ले सकते हैं, घर का खर्चा तो चलता ही है, हर महीने लेना ही है। सिर्फ 3 महीने लगातार अगर अपन ने लिया तो अपना 3 महीने का खर्चा कितना होगा, घर खर्च सेल्फ की बात कर ली, अगर 10,000 के हिसाब से कर रहे हैं तो 30,000 और 5,000 के हिसाब से कर रहे हैं तो 15,000। तो मैं बात कर लेता हूँ 15,000 से लेके 30,000 रुपये तक का अपन ने अपना घर खर्च का सामान इकट्ठा ले लिया, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट है? क्योंकि ये तो अपन ले रहे थे बाजार से, कहीं ना कैसे ले रहे थे, बस इकट्ठा ये किया कि 2 महीने ही महीने लेते थे अपन ने, 3 महीने का इकट्ठा ले लिया, तो ये पॉसिबल है, किया जा सकता है। यस, आपकी यस और नो के साथ बात करेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप, ये लेने के बाद हम करेंगे क्या और इससे बेनिफिट क्या होगा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगर हम 15,000 की बात कर लेते हैं, एक आम व्यक्ति के हिसाब से 15,000 रुपये अपन पे करेंगे कंपनी में, मोदी केयर में, इस मोदी केयर दुकान में, तो मैं लगभग 21,000 प्लस का बेनिफिट होगा, यानी 6,000 रुपये का फायदा होगा। प्रोडक्ट ऑफर, गिफ्ट, स्कीम वगैरह इन्होंने बताई हुई है और बता देंगे, है ना, लगभग ये बेनिफिट हो जाएगा आपको। सेकंड स्टेप, इस सामान का हम करेंगे क्या, इस प्रोडक्ट का, इसको ले जाके घर में कार्टून में नहीं रखेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, 10 बोरी ली उसको गोदाम में रख दी, या कुछ भी सामान इकट्ठा लिया रख देते गोदाम में, हम इसको डिस्प्ले करेंगे, जैसे आपके पास शोरूम था ना, डिस्प्ले करते थे अपन माल, तो इसको अपन डिस्प्ले करेंगे। वैरायटी जो है वो अलग अलग वैरायटी आपकी बैठक में, आपकी दुकान में, या जहाँ आपका ऑफिस है, जो भी व्यवस्था आपके पास, जहाँ लोग आते जाते हैं वहाँ इसको डिस्प्ले करेंगे। ये मुश्किल है, आसान है, अपना घर है, अपने पास सामान है, ले जाके उसको खाली डिस्प्ले में लगाना है। इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपका नज़दीक की होने की वजह से आपको उनको बोलने में थोड़ी सी झिझक हो सकता है। राजकुमार जी है, आपके भाई हैं, आप उनको नहीं बोलोगे भाई जी वो संभाल लीजिए, एग्जाम्पल है, हो सकता है आप बोल दोगे, बाकी सब नहीं बोल पाते ना, नहीं नहीं बहन की शादी हुई है, नहीं नहीं बहन की शादी हुई है, कल ही शादी हुई थी, 3 दिन बाद वो घर में आ रहे हैं, तो अपन बहनों को ये नहीं कहेंगे ले लो मोदी का जोन कर लो, पटेल ले लो, वो शर्म आएगी, मतलब थोड़ी सी झिझक रहेगी आपकी नहीं, आपकी टीम में जुड़ूंगा तो मेरा एक आपको फायदा मिला है कि मैं स्पोर्ट्स क्षेत्र से हूँ, जहाँ सबसे ज्यादा बोलने कहीं भी शर्माने, हमें ट्रेनिंग ये दी जाती है कि आप अगर चुपचाप सुनते रहो किसी चीज को तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो, और जो बोलेगा वो तोलेगा, और जो तोलेगा वही टुकड़ा छपेगा। बहुत बढ़िया, तो आप डिस्प्ले करेंगे, प्रोडक्ट डिस्प्ले में लगा देंगे, अलग अलग वैरायटी, अपने पास 11 कैटेगरी है, 600 से ज्यादा प्रोडक्ट है, आप अलग अलग कैटेगरी है, एक एक पीस लेने की बजाय दो दो तीन तीन पीस लो, क्योंकि जब आपके घर में आपके रिश्तेदार में जानकारी में कोई देखेगा तो पूछेगा ये क्या है, तो आप उठा के उसको दे सकते हो, वो पैसा दे देगा, पैसा जेब में नहीं डालना है। इसके बाद ये तो हो गया मैजिक कॉर्नर, इसको अपन बोलेंगे मैजिक कॉर्नर। पहला स्टेप, अपना घर का सामान लिया 3 महीने का इकट्ठा। दूसरा स्टेप, मैजिक कॉर्नर बना लिया, यानी एक ऐसा कोना जहाँ ये प्रोडक्ट डिस्प्ले होंगे, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। तीसरा स्टेप,
अब यहाँ पे हम खुद हर महीना जो 5,000 का सामान या 10,000 का सामान यूज कर रहे हैं वो आप किसी और दुकान से नहीं लेंगे, हम अपनी दुकान से लेंगे, अपनी खुद की दुकान है, घर में खुल गई लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक शर्त ये रखेंगे, जब भी दुकान में से सामान उठाएंगे वो उसका पैसा जो बनता है, जो मार्केट में हम दे के आते थे हर महीने, वो एक गुल्लक बना लेंगे। जब दुकान के हिसाब से बोलते तो वो गल्ला होता है, लेकिन घर के हिसाब से बोले तो गुल्लक हो गया, मैजिक बॉक्स कह सकते हैं उसको इंग्लिश में, एक मैजिक बॉक्स, एक गुल्लक बना लिया। किस टाइप का? इस टाइप का कि वो यहाँ से तो पैसा डाला जा सके, उस पर ताला लगा रहे हर महीने, जब भी आप 5,000 या 10,000 का सामान यहाँ से उठाओगे, काम में लोगे, तो पैसा इसमें डालते रहोगे ईमानदारी से, क्योंकि अपना बिजनेस है, अपनी दुकान है, खाली नहीं करनी है दुकान को, हरी भरी रखनी है। तो जो भी सामान महीने वाला दिन खत्म होगा, 1 तारीख को इसको गुल्लक को खोलेंगे, गले को खोलेंगे, इसमें से पैसा निकालेंगे और जाके स्टोर पर बिल करवा लेंगे, कर सकते हैं। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो गया, वन टाइम, क्योंकि यही पैसा घूम घूम के आ रहे हैं, तो यही पैसा अपन बाहर दे के आ रहे हैं, बार अब नया नहीं देना पड़ेगा, ये पैसा बार बार में इसमें आ जाएगा, जब भी खर्च करेंगे इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब अगली स्टेप, फर्स्ट कर सकते हैं, यस, सेकंड कर सकते हैं, यस, थर्ड कर सकते हैं, एक सिस्टम बना लिया कि घर में से कोई भी ले तो उसमें पैसा डालेगा जी, पैसे चाहे मेरे से ले लेना, लेकिन पैसा डाले बिना सामान ले लेना, ठीक है, क्योंकि पहले भी सामान ला रहे थे तो फ्री में कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा कोई रिश्तेदार आया, जानकार आया, दोस्त आया, उसने पूछा, उसको समझ में आया, एक प्रोडक्ट उठा दिया, पैसा उठाया, गुल्लक में डाल दिया, तो 5,000 का सामान हर महीने यूज होता है या निकल भी जाता है। चौथी स्टेप, हम वन डेमो डेली, डेमो डेमो किट, यस, अब वन डेमो डेली करेंगे। डेमो जैसा इन्होंने आपको बताया होगा, अब डेमो करने के लिए हमारे पास किट का होना जरूरी है, तो ये डेमो करने के लिए हम एक डेमो तैयार करेंगे, डेमो किट, मैजिक बैग कह सकते हैं, डेमो किट कह सकते हैं। ये कमिटमेंट लेना है कि मैं रोजाना कम से कम एक व्यक्ति को बताऊंगा ही बताऊंगा, और बताऊंगा कैसे, वर्बली नहीं, डेमो दिखा के, क्योंकि जब देखता है तो समझ में आता है बाजार से बेहतर क्यों है। देखा होगा आपने डेमो, देखा है नहीं? देखा डेमो? नहीं देखा, नहीं देखा, कोई बात नहीं, मैं दिखाऊंगा आपको, एक डेमो ब्रश निकाल के देना। वन डेमो डेली ये डेमो किट तैयार करेंगे, यानी एक बैग तैयार करेंगे जिसमें बाजार के कुछ प्रोडक्ट होंगे, अपने कुछ प्रोडक्ट होंगे, जिसमें वैरायटी डिफरेंस दिखाएंगे, अपन क्वालिटी की डिफरेंस दिखाएंगे कौन सा बेटर है। जैसे कि बाजार में आपने कभी नहीं देखा होगा इस टाइप इस क्वालिटी का ब्रश, इतना फ्लेक्सिबल, इतना एडजस्टेबल, इतना मूवेबल। जब भी कभी ब्रश को यूज करते हैं तो एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगने देता अपने दांतों पर, एनामल खराब नहीं होती, डैमेज नहीं होती, ठंडा गर्म झंझनाहट वाली बीमारी कभी नहीं आएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रेशर दांतों पर लगने नहीं देगी। प्लस बाजार की ब्रश आती है सीधी आती है, ये इस तरह से गोल हो जाती है, तो अपने लास्ट के दांत जो सबसे लास्ट में आते हैं सबसे पहले खराब हो जाते हैं, वो इस ब्रश की वजह से हमेशा साफ होते रहेंगे, क्योंकि ये गोल है वहाँ तक पहुँच जाएगी। और एक मुख्य कारण ये थोड़ा पतला है, बाजार वाले थोड़े छोड़े आते हैं। और एक सबसे प्लस पॉइंट, इसमें रबड़ की ग्रिप लगी हुई है, लास्ट के दांतों पे मसूड़े जो हैं वहाँ पे अगर टच भी हो जाए तो ये स्क्रेच नहीं करेगा, ब्लडिंग नहीं होगी, क्वालिटी इतनी शानदार है, रेट मात्र संभाल के ओरल बी के 60-70 रुपए की भी आते हैं, लेकिन ये क्वालिटी उसमें भी नहीं आती। 44 रुपए MRP है, डिस्काउंट ऑफर स्कीम काटने के बाद 22 रुपए की पड़ती है, 22 रुपए की पड़ती है, बेस्ट यूज कर सकते हैं। मैं कहूँ 50 की भी आए तो भी यूज कर सकते हैं, 200 दूं तो भी बाजार में नहीं मिलेगी आपको ऐसी ब्रश। ये हो गया डेमो। इस तरह के 600 से ज्यादा प्रोडक्ट अपने पास है, और वो भी गारंटी के साथ, खोलो यूज करो, अच्छा नहीं लगे उसी महीने में जिस महीने में खरीदा था वापस दे दो, पैसा ले दो, ऐसी गारंटी है, वो भी रिटर्न में हर प्रोडक्ट, तो यूज कर सकते हैं, यूज करवा सकते हैं। तो ये वन डेमो का कमिटमेंट कर लिया अपन ने। अब ये तो हो गया आम आदमी की बात, जब अपने पास संपर्क ज्यादा है, लोग ज्यादा है, अपने को जल्दी पैसा बनाना, मोटा पैसा बनाना है। और एक सबसे बड़ी बीमारी है क्या? गरीबी। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? गरीबी है ना। 5% लोग ही अपर क्लास में है, बाकी 95% लोग लोअर मिडिल, अपर मिडिल, एकदम मिडिल, गरीब की निचली श्रेणी में, ये 95% लोग अपर मिडिल में आते हैं, मिडिल में भी लोअर में आते हैं, है ना। तो ये बीमारी खत्म करने के लिए एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम, कोशिश ये करनी है कि 3 डेमो डेली हो, क्योंकि वहाँ शोरूम खुला तब भी 10 घंटे वहाँ दे ही रहे थे, 8 घंटे दे ही रहे थे, दे रहे थे ना, तो दुकानों जा ही रहे थे। तो यहाँ 3 डेमो डेली, जैसे एक डॉक्टर बीमारी का इलाज के लिए क्या बोलता है, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। तो कोशिश ये करनी है कि मिनिमम जो मैं बोल रहा हूँ कि 1 डेमो तो रोज करना ही करना है, ये तो कमिटमेंट है। अब प्लस जितना करो उतना बेहतर, ठीक है। तो क्या ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं? 500 स्टेप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 500 स्टेप डेमो किट भी अपने को चाहिए। ये 500 स्टेप अपन कर सकते हैं, इजी है, कोई भी कर सकता है। अब बात करते हैं ये करने मात्र से कैसे 5 महीने बाद
एक लाख से लेके 5 लाख रुपए महीना आ सकते हैं। ये देखो फर्स्ट मंथ सेल्फ लिया मैंने, ये हो गया अपना पहला महीना कवर, 15,000 से लेके 30,000 तक का जो भी आपकी सुविधा, जो भी आपकी व्यवस्था आपने ले लिया, वैरायटी ले लिया। दूसरा महीना, अब हम रोजाना एक डेमो करें तो महीने में कितने डेमो हुए? 30। अगर तीन करें तो कितने हुए? 90। वो 30 हो जाए 90। क्या हमें, हमारे को ऐसे 6 लोग मिल सकते हैं जो बिजनेस करके और अपनी तरह पैसा कमाना चाहते हैं इज्जत और सम्मान के साथ, और वो भी 5 महीने बाद, महीना 1 लाख से लेके 5 लाख, क्या 6 लोग ऐसे मिल सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट? क्योंकि घर का सामान नहीं ले रहे थे, मैं नहीं लेकर था, मिल सकते हैं 6 लोग? आसान है मुश्किल है? आसान। 6 लोग आ गए और वो भी शुरुआत करते हैं मान लो 15,000 से, बड़ी बात नहीं कर रहे, 30 की बात नहीं कर रहे, अपन कर सकते, हो सकता सब नहीं कर पाए। बिजनेस कितना हो गया? 90,000। 90,000 पे लगभग लगभग आपकी इनकम 2,500 से प्लस हो जाएगी। पहला महीना आपको फायदा कितना हुआ? 6,000 का, जो मैंने आपको बताया प्रोडक्ट दिया, आपने 15,000 रुपए दिए और आपको लगभग 21,000 का सामान मिल गया, प्रॉफिट मिला है, गिफ्ट मिल गया। दूसरे महीने हमने 6 लोगों को मैजिक ऑनर करवाया। राम सुर जी, राम राम, बैठो। 6 महीने, ये सॉरी 6 लोगों को 15,000 का मैजिक ऑनर करवाया, इनको कितना कितना फायदा होगा? 6,000। अपने को कितना फायदा हुआ? 600। अब साथ ही साथ यहाँ पे अपना भी बिल कटेगा, क्योंकि 1 महीना पूरा हो गया, गुल्लक में पैसे बढ़े हैं, उठा के जाएंगे और उसमें सिंगाड़े भी कटवा लेंगे, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो प्लस इनकम है एक्स्ट्रा। तीसरा महीना ये कर सकते हैं, आसान है मुश्किल है? आसान है। अब ये जो 6 लोग अपने को मिले हैं, संपर्क है, इनके भी लोग, इनकी भी कनेक्टिविटी, अगर एक एक डेमो करेंगे तो 30 डेमो, क्योंकि इनको भी पैसा छापना है, पैसा कमाने आए हैं, ये खाली यूजर नहीं है, बिजनेस करने आए हैं ये 6 लोग। बाकी लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जो खाली यूजर होंगे, लेकिन अपने सिर्फ 6 लोग भी चुनिंदा चुन लिए जो बिजनेस करना चाहते हैं आपकी तरह हमारी तरह, तो 6 लोग अगर 6 लोगों को भी इंट्रोड्यूस करवाएं तो वास्तव में सीरियस है, अपने लाइफ के प्रति, अपने बच्चों की लाइफ के प्रति, परिवार के प्रति, अपनी सुख सुविधाओं के प्रति। कितनी लोगों की टीम होगी? 36। और उनको करना क्या है? अपने घर का 3 महीने का राशन इकट्ठा लेना है, आसान है मुश्किल? एक बार के लिए अपन नेगेटिव मान लेते हैं, कोई व्यक्ति ने 3 महीने का राशन इकट्ठा ले लिया और उससे नहीं हो रहा, तो लॉस है। 3 महीने का राशन है खाली आराम से, 2 महीने में और कोई काम जैसा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई रिस्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो चैलेंज आएगा भी नहीं, क्योंकि 5 महीने तो देखते देखते निकल जाते हैं, अगर तरीके से काम करें तो 5 महीने बाद 1 लाख से लेकर 5 लाख महीना खाते में आएंगे। कितना हुआ? 5,40,000 लगभग, देखना सर एक बार, ठीक है। और 5,40,000 जब ये होता है तो यहाँ अपनी इनकम जाती है 35,000 से प्लस। इन 36 लोगों की इनकम कितनी जाएगी? 2,500। इन 6 लोगों की इनकम क्या रही? 6,000। ठीक है, चौथा महीना इन 36 लोगों ने भी वही सेम डुप्लीकेट किया, रोजाना डेमो दिखाए, 30 हो गए, रोजाना 3 दिखाए, 90 हुए, उनको भी अपने 6 लोग मिल ही जाएंगे, सबको मिलते हैं। कितने हो गए? 216 लोग, इनको भी अपन खाली 3 महीने का राशन इकट्ठा दिला रहे हैं, 15,000। कितना हो गया? 32,40,000। यहाँ अपनी इनकम जो है, अपनी इनकम 1,50,000 से प्लस ही जाएगी चौथे महीने, ठीक है। पांचवा महीना आ गया जो मैं बात कर रहा हूँ, सेम डुप्लीकेट, वही सारी चीजें, उन्होंने भी डिस्प्ले बनाया, उन्होंने मैजिक ऑनर बनाया, उन्होंने भी डेमो किट बनाया, उन्होंने भी गुल्लक बनाया, वो भी रोजाना डेमो करते हैं, अच्छे लोग भी इनके साथ अगर आ गए, मिनिमम से मिनिमम आपके पास 200 काम तो बढ़ गए थे, अगर आपने रेगुलर किया होगा ये 50 तो होंगे, 40 तो थे, फिर भी उससे अच्छी सेल आ रही थी, फिर भी उससे आप 1.5 लाख महीना कमा रहे थे 40 काउंटर। तो यहाँ तो अपन अगर इस सिस्टम से चलेंगे, रोजाना बात करेंगे तो 90 हो गए 3 लोगों से, तो 12 निवाणी 108 हो गया, 1,800 लोगों से बात होगी पूरे साल में, तो 90 एक महीने में तो 1,800 लोगों से पूरे साल में, याद है कितने लोग हो गए? 1,296 लोग। आपने 6 से 7 लोगों से बात नहीं करी है, आपके उन्होंने भी 6 लोगों को साथ मिली है, इन्होंने भी 6 को और इन्होंने भी 6 को, ये नेटवर्क की पावर है। ये हो गए 1,296 लोग, और ये सिर्फ अपने 15,000 रुपए का प्रोडक्ट लेते हैं महीने का, 3 महीने का राशन इकट्ठा, ये सेल जाती है 1,93,40,000 लगभग, 94 लाख, ठीक है, ये सेल है।
सबसे पहले तो क्या है कि आप उस बिजनेस से आए जहाँ पे सेल मायने रखती है, आपको पता है आदमी 1,94,00,000 की सेल करने के लिए स्टॉक कितना होना चाहिए सोच सकते हैं ना, कैसा शोरूम होना चाहिए, कितना गोदाम होना चाहिए, कितना पैसा अपने हाथ में होना चाहिए, कितना पैसा मार्केट में उधारी में देने के लिए होना चाहिए, पता है ना, तभी मार्केट में बिजनेस चलता है। तो यहाँ 2 करोड़ के लगभग की सेल है और इन्वेस्टमेंट अपना कहाँ है, वो तो 3 महीने में राशन खा गए आप, मान लिया था उसमें 21,000 का आपने, ₹40-60% तो इसका लगभग लगभग 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम जिसको बोलते हैं पॉइंट बोलते हैं बीवी बोलते हैं वो हो गया। अब यहाँ पे अपनी इनकम होती है 5% मिनिमम मान लेते हैं, वैसे होती है 8%, 5% से लेके 18% अपने को इनकम यहाँ पे मिलती है इसका, इस बीवी का। अगर मैं इसके बीच की बात करूँ 10% रेशियो ले सकते हैं अपन, ठीक है, किसी केस में 8 किसी में 18, अपन 10 मान लेते हैं अपने केस में, तो 1 करोड़ का 10% कितना होता है 10 लाख रुपए महीना। और मैंने जो हर महीने जो दोबारा सेल हो परचेज करते हैं अपन उसको काउंट ही नहीं किया इसमें, हर व्यक्ति जा रहा है ना गुल्लक बीज निकाल के सामान तो लाए रहा है अपने उस दुकान में, सामान लगाए रहा है वापस, तो ये दुकान खाली अच्छी नहीं लगती, बड़ी अच्छी तो वापस उठाएगा वापस डाल देगा, वापस उठाएगा वापस डाल देगा उस दुकान में, वही पैसा घूम रहे तो बार बार में हर बार नया दे के आ रहा था वो अपनी दुकान में देख रहे हैं सामान हम यूज कर रहे तो उस पर सारे बेनिफिट अपने हर महीने मिल रहे। लेकिन इनमें क्या है कि सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जैसे अपन 6 लोग जोड़ रहे हैं वो 6 जोड़ रहे हैं तो इनमें मेहनत करने वाले 1-2 ही मिलेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। बस कितने आपने 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 सही बोला, आपने एकदम सही बोला, कितने भी अपन प्रेशर दे लोन पे कुछ लोग ऐसे 6 में कितने मिल जाते हैं, एक 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 और अपने को 6 चाहिए तो 36 मिल लेंगे ना, अपन दिक्कत क्या है, आप बोल रहे हो 6 में एक मिल जाता है, एक तो मिल जाता है 36 ही मिलेंगे ना, 6 मिल जाएंगे ये तो कह रहे हैं, और 36 नहीं हम तो निब्बे से मिल रहे हैं पूरे महीने, निब्बे में से 6 निकाले मुझे होता है। आपने क्या पता कितने लोगों से बात करी होगी उनमें से आपको 40 दुकानें मिली है, अब बाकी ये बोल जाओ बाकी वो 40 तो मिल गए ना, हो गया काम अपना शुरू, महीना 1.5 लाख कमा ही रहे थे, लेकिन वहाँ पे ताम झाम देखो कितना रेट कितना लॉस कितना चले कितना इन्वेस्टमेंट कितना क्या क्या किया था, यहाँ पर क्या किया, चलो ये है रिजल्ट 100% जैसा आप बोल रहे हो ना जो सोचा वैसा वैसा हो गया 100%, तो ये काम करने का रिजल्ट आया 10 लाख रुपए महीना, अगर 50% भी रिजल्ट आया तो कितना और महीना 60% आ जाता है ना नॉर्मली जनरली किसी भी, चलो अपन एकदम नेगेटिव आदमी है जैसे अपन बोल रहे हैं 6 से बात करते यही कहता है उससे भी भयंकर है कि मैं तो 100 से बात करता हूँ साला यही कहता है ये मान लेते हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि 90% इसको नेगेटिव मान लेते हैं, इस धंधे को 90% नेगेटिव मान लेते हैं, इसका 10% जितना हुआ 10 लाख का 10% 1 लाख, मैंने यही बात कही आपको कि 5 महीने बाद 1 लाख से लेकर 5 लाख 100% ठुक्कर मार के कमाओ मस्ती से। और एक कमाल की बात बताऊँ आपको, इस पॉइंट को अपन लेके चले थे समाज सेवा, आपका ये कौन सा महीना है 5वां, जिस दिन आपका 6वां महीना होगा